नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड बांबू डे निमित्त एक्जिबिशन नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं, जेमां परंपरागत वांसमांथी बनता साधनोथी ऊपर उठी कलात्मक अने प्लास्टिकना विकल्प रूपे बांबू आजे वैश्विक कक्षाए लोकउपयोगी बने ते माटे नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी कार्यरत बनी छे, जे अंगे माहिती आपवामां आवी हती। दक्षिण गुजरात अने तेमां पण खास करीने डांग जिल्लामां उगता वांसमांथी बनता परंपरागत टोपला टोपलीओ व्यवसाय हवे भूतकाळ बन्यो छे। पाड़ोशी चीन ने पछाड़ी भारत बांबू बिजनेस में आंतरराष्ट्रीय क्षेत्र मोटू मार्केट बनवा तरफ आगे बढ़ी रही है। नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी आ मुहिम ने आग धपावा शुरुआत कर दी थी। भारतीय 18 सप्टेम्बर सुधी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम नु आयोजन बांबू रिसोर्स सेंटर खाते करवामां आव्युं हतुं, जेमां खेडूतोने बांबू मांथी बनती विविध उपयोगी चीज वस्तुओं ने लईने तालीम लेनार युवक युवतियों ने सर्टिफिकेट एनायत करवामां आव्या हता। नमस्कार, आजे नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी खाते अमारी जी फॉरेस्ट्री कॉलेज छे, ए फॉरेस्ट्री कॉलेज द्वारा आयोजित विश्व वांस दिवस नी उजवणी आजे करवामां आवी। आ प्रसंगे मारी साथे एनआईडी राष्ट्रीय डिजाइन संस्थाना एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रवीणसिंह जी सोलंकी पण साथे छे, अमारी फेकल्टी पण साथे छे, एटलुं ज नहीं पण विद्यार्थीओ अने खेडूत मित्रो पण अमारी आ एक अठवाडियाथी जे ट्रेनिंग चालती हती एमां हिस्सेदार हता। विश्व वांस दिवस, आप सब जाणो छो के वांस ए आ धरती परनुं लीलू सोनू छे, गरीबो के आदिवासीओ माटे एक इमारती लाकड़ू छे अने अमीरो माटे ए एक घरेणा समान छे। वांसनो उपयोग परापूर्वथी आपणे करता आव्या छे, पण आ वांसनो उपयोग हजु केम सारी रीते करी शकाय, एमांथी बनती विविध बनावटो ने केवी फिनिश्ड प्रोडक्ट बनावी शकीए अने एनुं पण एक विश्वमां मार्केट बनावी शकाय, अने ए माटे આપણા આદિવાસીઓની રોજી રોટી માટે આપણે કેવી રીતે મદદરૂપ થઈએ તે માટેની આજની એક આ કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે એક તાલીમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। મને લાગે છે કે બધી જ જાતની માહિતી આ તાલીમાર્થીઓને આપવામાં આવી છે, જે થકી ચોક્કસ આપણે આ વાંસની જે ઉપયોગિતા છે, મહત્તા છે, એને ઉજાગર કરી આદિવાસીઓના આર્થિક વિકાસમાં આપણે ફાળો આપી શકીશું।